नमस्कार, आप देख रहे हैं SJ न्यूज, जनता की आवाज। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सरकार को फटकार। इस मामले पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, आज का माननीय उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक आदेश सत्ता पर जनता की जीत है। माननीय न्यायालय ने सरकार के टीकाकरण रोकने के फैसले को गैर कानूनी और अनुचित करार दिया है। साथ ही सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि महामारी से निपटने के लिए एक मिनट भी बर्बाद करना जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इसलिए सभी वर्गों का, चाहे वो अंत्योदय हो, चाहे वो APL हो, चाहे वो BPL हो, सभी का टीकाकरण अभियान तत्काल चालू कर देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो कम से कम सरकार जागेगी और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सबको धोखा देने के बदले अब सबको टीका लगाने का काम शुरू करेगी। जय छत्तीसगढ़। जनमुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ का विशेष अभियान। कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो घर पर क्वारंटाइन है, उन्हें अंडा व काढ़ा निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। दल्ली राजरा वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद सोनी दुबे ने SDM को लिखा पत्र। अपने वार्ड के लिए BSP से फिल्टर पानी का 2 जगह नल लगाने की मांग। दल्ली राजरा में लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलते ही बाजारों में भीड़ बढ़ा। लोग सोशल साइट पर प्रशासन पर तंज कस रहे। बालोद जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंद्र प्रभा सुधाकर ने मितानिनों का बढ़ाया मनोबल। सभी मितानिनों को अपने पास हर समय 5-5 कोरोना दवा किट, मास्क और सैनिटाइजर रखने की दी सलाह। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह के निधन पर दल्ली राजरा के सभी पत्रकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। जिला पंचायत सदस्य बसंती बाला भेड़िया ने कलेक्टर को लिखा पत्र। उन्होंने आदिवासी बालक छात्रावास अरजपुर को 50 बेड कोविड आइसोलेशन सेंटर में बदलने की मांग। छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर को आदेश जारी। मई व जून 2021 का सभी वर्गों को राशन आवंटित जारी करने की दी सख्त। अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को निशुल्क व प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त चावल देने का दिया आदेश। बाड़जी निवासी हरि नारायण और राजेंद्र ने जीती कोरोना से जंग। बस्तर सांसद दीपक बैच के कोविड जन सहायता केंद्र द्वारा उन्हें निजी वाहन से गांव पहुंचाया गया। भाजपा नेता मनोज दुबे का नगर पालिका पर गंभीर आरोप। 5,000 का सामान 11,000 में खरीद रहे। नगर पालिका जनता की मांग पर झाड़ियों के सफाई की दवा के लिए पैसे नहीं होने की बात कह रही।